भाई देखो अब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनको बच्चों के बारे में कुछ सोचना जरूर चाहिए। उनको नहीं पता कि शायद उनके एक स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपको डरने की बात नहीं है, आपका काम बहुत सिंपल है। आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है। अब मेरे को पता है ये बात तो कानों पे जूनी रेंगती है कई बच्चों के। वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपने हिसाब से रैंक डिसाइड करते हैं, अपने हिसाब से कॉलेज डिसाइड करते हैं, सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि टफ है तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 10वीं क्लास नहीं है, समय कब बीता उनको अब पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी शायद आप सभी लोगों को मजे आ रहे होंगे कि हाँ भाई जेईई मेंस हम फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप नहीं जानते कि आखिरी का स्ट्रेस पॉइंट क्या होता है। जेईई डेट अनाउंस हुई थी तो मेरे ख्याल जितना स्ट्रेस बच्चों को हो रहा होगा उतना ही स्ट्रेस कंपैरेटिवली टीचरों को भी हुआ, सिस्टम्स को भी हुआ है। मैं उसका रीजन मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। 75% क्राइटेरिया आप सभी लोगों के लिए। भाई देखो एनटीए के बारे में अब हम क्या बोले भाई, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। भाई देखो अब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनको बच्चों के बारे में कुछ सोचना जरूर चाहिए था। उनको नहीं पता कि शायद उनके एक स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर, नॉट जस्ट अबाउट दी कोचिंग इंडस्ट्री, इट्स अबाउट कि बच्चों के अगर ऊपर भी देखा जाए, फैमिलीज के ऊपर भी देखा जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपको डरने की बात नहीं है, आपका काम बहुत सिंपल है। बच्चे का काम बहुत ज्यादा सिंपल होता है। कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बैकलॉग लेके ना जाए। आज की डेट में 12वीं के बच्चे जो सबसे ज्यादा पीछे होंगे वो वही होंगे जिनका बैकलॉग है और जिनकी आदत है बैकलॉग बनाने की। जिन्होंने अपने बैकलॉग बनाए या बैकलॉग को मेंटेन नहीं किया वो सबसे पीछे होते हैं लाइन में। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस लाइन में सबसे आगे बच्चा, अभी आज की डेट में 12वीं क्लास की बात हो या ड्रॉपर्स की बात हो, राइट नाउ सबसे आगे वही बच्चा होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा। पहली बात आ जाती है आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेबस आपकी तरफ से कंप्लीट नहीं है तो सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट आपके लिए हो जाता है कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है। भले ही आपको जितना आता है आप उस पे गौर करें तो आपका शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आप उस पे गौर नहीं करेंगे। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, क्योंकि जो चीज नहीं मिलती है उसी के पीछे दौड़ा जाता है। प्लीज आप अपने नए साल में हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, अपने करियर पर ध्यान रखिएगा।